वो चीजें पार्लियामेंट में भी घटे। और आज हमको ब्लेम करते हैं, मोदी ये ब्लेम करते हैं कि कांग्रेस वाले अपोजिशन वाले पार्लियामेंट में नहीं आ रहे। अरे पार्लियामेंट के बाहर निकालने वाले ही आप हो, हमको बात करने के लिए नहीं देते। हमने सिर्फ इतना ही पूछा, ये जो दो चार लोग अंदर आ गए वो कैसा आए, क्यों आए, उसके पीछे कौन है। अगर उसके जगह आज बीजेपी के एमपी के बजाय कांग्रेस का एमपी अगर कोई होता तो हमको कलंकित करते थे, बदनाम करते थे। लेकिन ये लोग एक एमपी को बचाने के लिए 147 लोगों को इन्होंने बाहर डाला। ठीक है, हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। ऐसे ब्रिटिशों को हमने भगाया है, क्या मोदी को डरेंगे? क्या बीजेपी को डरेंगे? क्या आरएसएस को डरेंगे? अरे वो लोग तो डर के ब्रिटिश के गवर्नमेंट में काम करते थे, वो लोग डर के उनके साथ दोस्ती की है, ये डर के माफी नामा मांग लिए। तो ये लोग डरपुक है। पिछले 10 साल में देश में भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक ये देश को तंग कर रहे हैं। और ये जो संघ की सरकार है, अगर इसको नहीं रोक सके तो देश बर्बादी की ओर जाएगा और लोकतंत्र खत्म हो जाएगी। देश का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मिलकर बनाया वो भी खत्म हो जाएगा।